उठा रहे हैं, तो दो घंटे उठा रहे हैं, अभी माना जाएगा कि आप मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं। नीचे करो। तो लोकतंत्र में ये मौका मुझे कैसे मिल सकता है, बताओ कैसे मिल सकता है? जब आप अपनी उंगली से ये फैसला कर दो कि चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं छोड़ना, उसको इतनी ताकत देनी है कि वो कलम से हमारी जिंदगी के फैसले नहीं सके, गरीबों को उनका हक अधिकार दिला सके। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी तरफ गौर से देखो, मेरी तरफ गौर से देखो, बताओ तुम में और मुझ में कुछ अलग अलग है क्या? तुम और मैं एक जैसे हालात से आए निकल के, आपने मेहनत करके अपने खून पसीने का एक रुपया लगा के मुझे जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया, लेकिन जब तक मैं लोकसभा गया हूं, बताओ क्या एक दिन भी आपने चैन से बैठा देखा? कोई ऐसा मामला देखा जहां मेरी जरूरत और मैं ना पहुंचा हूं? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, मैंने 16 महीने जेल काटी, याद है नहीं याद है आपको? क्या मेरे घर का झगड़ा था? मैंने दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी, एक बार जब गुरु में टूट गया था तब, और दूसरी बार एनआरसी में, जब इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुसलमान अपने आप को तनहा अकेला महसूस कर रहा था, और जिनको वोट देता था वो फोन भी नहीं उठाते थे, दरवाजे भी खोलते थे, जब सब लोग और उसमें भी माए बहने सड़कों में बैठी थी इस उम्मीद से भी कोई उनकी आवाज मरेगा, तभी अकेला चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी थी जिसने सड़कों को नीला करके ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आप अकेले नहीं हो, हम सबको आपके साथ। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के लिए 13 महीने सड़कों पे हमने खून पसीना बहाने का काम किया। आपको याद होगा जब पहलवान बेटिया इस भाजपा सरकार से लड़के वहां जंतर मंतर का आंदोलन कर रही थी, तो उनकी आवाज उठाने के लिए आपका यही बेटा चंद्रशेखर आजाद आपका भाई मैदान में खड़ा था। आपको याद होगा कि जब मैंने चाचा को न खाई, याद है?